हमारी यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। आजकल 90% लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आप जानते हैं डैंड्रफ की प्रॉब्लम किन किन वजह से, किन किन गलतियों की वजह से हमें हो रहा है, और हम डेली लाइफ में ऐसे कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयर करूँगी कुछ कॉजेस जो जिस वजह से हमें डैंड्रफ हो रहा है, और साथ ही कुछ DIY हैक जो करके आपको दिखाऊंगी, और बहुत ही कम समय में हम घर पे DIY करके अपने डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बालों में बहुत दिन से ऑयल नहीं लगाने की वजह से भी डैंड्रफ होता है, क्योंकि जब बालों में ऑयल ही नहीं जाएगा उसमें स्कैल्प अगर बहुत ड्राई रहता है तो डैंड्रफ होने की चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद है, अगर आप बीच बीच में बहुत ज़्यादा गैप रख अपने हेयर वॉश कर रहे हैं तो भी डैंड्रफ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने स्कैल्प को क्लीन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। उसके बाद अच्छे प्रोटीन या डाइट नहीं लेने की वजह से भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। बॉडी में हार्मोन चेंज की वजह से भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मेंटल स्ट्रेस किस कई वजह से हमारे मेंटली हम इतना स्ट्रेस रहते हैं कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ जाता है। स्किन में कुछ डिजीज होने की वजह से भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। एंड अलग अलग शैम्पू, जेल या कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उसमें केमिकल बहुत सारा होता है, इसलिए कोई भी सीरम या शैम्पू या हेयर जेल यूज़ करने की वजह से भी हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और एक बात, कहीं भी हम ट्रैवलिंग पे जाए या फिर कहीं भी हम बाहर जाए, हमारे हेयर को कवर करके जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहीं भी हम ट्रैवलिंग या बाहर जाए, कहीं भी घूमने जाए या कहीं भी, तो हम अपने हेयर को अच्छे से कवर करके बाहर निकलें। तो गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर्बल शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि शैम्पू में केमिकल होता है, इस वजह से भी डैंड्रफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी और के कॉम्ब या हेयर क्लिप या हेयर बैंड यूज़ ना करें। अगर किसी और को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अगर उनकी कॉम्ब यूज़ करें या फिर हेयर क्लिप हेयर बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अगर कुछ छोटा सा भी थोड़ा डैंड्रफ की कर भी आ गया ना, तो आपके पूरे स्कैल्प पे फैल के डैंड्रफ का रूप ले लेंगे। तो इस बात का आप पूरा से पूरा ध्यान रखें कि किसी और का यूज़ ना करें, और अपने कॉम को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताऊँगी कुछ टिप्स और DIY जो आप खुद घर पे करके काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे शेयर करने वाली कुछ DIY जो आपके वो घर पे ही यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रूट ऑफ द अर्थ का ग्रीन टी लिया है। आप चाहे तो कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं। एक ग्रीन टी बैग को मैंने हॉट वाटर पे डिप किया है, और अच्छे से डिप करने के बाद ग्रीन टी को हम निकाल लेंगे और जो हॉट वाटर है उसे ठंडा होने देंगे। पानी ठंडा होने के बाद एक क्लीन स्प्रे बॉटल पे हम बॉटल में हम भर लेंगे। याद रखिए कि स्प्रे बॉटल क्लीन हो। अब हम बॉटल को शेक कर लेंगे ताकि ग्रीन टी के जो भी इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद अच्छे से हमारे स्कैल्प पे जहाँ भी डैंड्रफ है वहाँ वहाँ स्प्रे कर लेंगे। अपने स्कैल्प को गीला कर देंगे। ध्यान रखिए कि स्कैल्प के कोई भी कोना बच न जाए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर डैंड्रफ की एक भी कण रह गया तो आपके स्कैल्प पे फिर से फैल जाएगा, और कुछ दिनों में ही ये प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाएगी। अच्छे से आप मसाज कर लेंगे और 20 मिनट्स तक इसे ड्राई होने देंगे।
ग्रीन टी में एंटी फंगल एंड एंटी ऑक्साइड है जो आपके डैंड्रफ को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपके हेयर ड्राई होने के बाद आप एक हर्बल शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। मैंने यहाँ पर फ्रूट ऑफ द अर्थ का कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। हल्का सा गर्म होने के बाद इसे ठंडा कर हाफ लेमन ऐड करेंगे। लेमन और कोकोनट ऑयल को हम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि स्कैल्प के एक भी कोना कहीं रह ना जाए, अच्छे से इस ऑयल को चारों तरफ लगा लेंगे। स्कैल्प पे लगाने के बाद 5 से 6 मिनट तक मसाज करेंगे, 10 मिनट तक मसाज करेंगे। कोकोनट ऑयल में एक बहुत ही अच्छा ऑयल है जो हमारे ड्राई स्किन को नरिश करेगा और बालों को स्मूथ कर देगा। लेमन में बहुत ही ज़्यादा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मौजूद होता है जो आपके डैंड्रफ को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। अच्छे से 10 मिनट मसाज करने के बाद आप अपने बाल को टाइट करके बांध देंगे और 20 मिनट तक रखें। 20 मिनट हो जाने के बाद आप एक हर्बल शैम्पू से वॉश कर लें। मैंने यहाँ पर एक कटोरी दही लिया है, आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से दही लें। आपको जितना दही चाहिए उतना लीजिए और उसके बाद अपने स्कैल्प पे अच्छे से दही को फैला के अच्छे से मिक्स करके अपने स्कैल्प पे लगा दीजिए। जहाँ जहाँ भी डैंड्रफ है वहाँ वहाँ आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से दही को लगा लें। उसके बाद दही को लगाने के बाद 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। दही बैक्टीरिया को मारने में सबसे बेस्ट है। ये बैक्टीरिया या पॉल्यूशन, दर्द, सबको ये दही ख़त्म करता है। दही एक रामबाण इलाज है डैंड्रफ को मारने के लिए। दही अच्छे से लगाने के बाद आप 1/2 घंटे तक इसे ऐसे ही रख देंगे। फिर सूखने के बाद एक हर्बल शैम्पू से वॉश। फ्रेंड्स, आपको अगर नेचुरल घर की चीज़ों से आपको डैंड्रफ नहीं आता ना, अगर आप किसी शैम्पू से डैंड्रफ आता है तो ये आपके लिए है। ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का शैम्पू है विथ अर्निका एंटी ट्री ऑयल। ये 100 ml का पैकेजिंग है। इसमें अर्निका है, अर्निका एक ऐसा चीज़ है आपके स्कैल्प को जो एक्सेस ऑयल है उसके पूरा का पूरा क्लीन करेगा और आपके जो भी टेंगल है, हेयर है या रफ हेयर है उसे भी सॉफ्ट करेगा। अर्निका और क्या करता है कि आपके स्कैल्प के ऊपर जितने भी नरिशमेंट पहुँचना होता है उतना पहुँचाता है। और फ्रेंड्स, आपके जो भी प्रीवियस स्कैल्प है उसके ऊपर अगर प्रेजेंट स्कैल्प यानी डेड स्किन की है उसे निकाल देता है। 4 या 5 टाइम वॉश के बाद बॉडी और फ्रेंड्स ये एंटी बैक्टेरियल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि आपके स्कैल्प को वो इन्फ्लेमेशन करेगा। इसमें टी ट्री ऑयल है, जो टी ट्री ऑयल एक नेचुरल एंटीसेप्टिक एंटीफंगल रिमूव डैंड्रफ। आपके स्कैल्प में जो भी डैमेज यानी रेडनेस, इचनिंग का जो भी प्रॉब्लम है इसे ये ठीक कर देगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक बार आप इसे इस शैम्पू को यूज़ करके देखिए, उसके बाद आप रिजल्ट आप कॉमेंट बॉक्स पर लिखिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैंने खुद इसे ट्राई किया है। वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कुकिंग, हेल्थ, वेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी के बारे में बारीकी से ऑब्जर्व कराऊंगी, क्योंकि आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो जल्दी से जल्दी वीडियो के नीचे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट कीजिए आपको किस तरह की वीडियो चाहिए या किस तरह की हेल्प चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके कमेंट की रिप्लाई अपने वीडियो के थ्रू दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलती हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।